ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो युवकों के पास से 50 ग्राम स्मैक मिला। दोनों आरोपी बरेली के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तिब्बत में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी का एक हिस्सा है। इसमें विशेषकर काशीपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग, इनको लाने वाले कैरियर लोग और जो बेचने वाले किंग पिंस हैं, उनकी जानकारी के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया था। पहली बार बड़ी मात्रा में 50 ग्राम स्मैक मिली है और इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष बात इसमें ये है कि ये बरेली के रहने वाले हैं, परवेज और अजीम नाम के युवक। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से यामीन मलिक की रिपोर्ट।